वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एग चाउमीन। हाँ, ये एग चाउमीन है। आप चाहे तो इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो एग के बदले में पनीर भी बना सकते हैं, या तो अगर आपको एग पनीर कुछ भी नहीं चाहिए तो आप इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड करके इसको वेज चाउमीन भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से झट से बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुछ प्याज जो मैं एकदम बारीक बारीक पतला करके काट लिया है, साथ ही साथ मैंने लिया है कैबेज। और यहाँ पर मैंने चाउमीन को हल्का सा पानी में बॉईल करने के बाद उसको ठंडा पानी में धो के ऐसे पानी झड़ने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर लहसुन, यहाँ पर 14 से 15 का लिया है जो मैंने एकदम बारीक से काट लिया है, और लिया है कुछ हरी मिर्चें। चलिए यहाँ पर कढ़ाई बिठा देते हैं। कढ़ाई पे डाले हैं मैंने वाइट ऑयल, और वाइट ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है डालते हैं लहसुन और बारीक से काटा हुआ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जितना तीखा आपको खाना है उसके हिसाब से दीजिएगा। चलिए अभी इसे हल्का सा सुनहरी करके फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होना है, और ये जो लहसुन है उसका फ्लेवर भी ऑयल में आ जाना चाहिए, बस इतना ही करना है। सो 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो फ्राई हो चुका है गार्लिक। अभी इसमें डाल देते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर डाला है सिर्फ पत्ता गोभी और प्याज। आप चाहे तो यहाँ पर कैरेट और बीन्स और बीट, ये आपके हिसाब से वेजिटेबल्स अपने चॉइस में डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर कैबेज और प्याज ही डाला है। तो कैबेज और प्याज को भी थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर कैबेज और प्याज का क्रिस्पीनेस नहीं जाना चाहिए, तो इसी तरह से हाई फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर नहीं, 3 से 4 मिनट। तो फिलहाल 3 से 4 मिनट हो चुका है, हम लोग को फ्राई भी हो चुका है वेजिटेबल्स। तो अभी यहाँ पर ऐड कर देते हैं चाव, जो चाव हमने पहले से ऑलरेडी बॉयल करके धो के ठंडा पानी से धो के पानी झड़ने के लिए रख दिया है, तो वही चाव अभी फ़िलहाल इसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो चाव को इस वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तो क्या होगा ना, वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर है वो चाव में आएगा, और चाव को भी अच्छी तरह से एकदम छुड़ा छुड़ा के ही आपको ये फ्राई करना है, ताकि चाव एक जगह गुठली ना बंधे। और अभी यहाँ पर ऐड करते हैं थोड़ा सा चाव मसाला, मतलब ये जो कोई भी मार्केट का अच्छा ब्रांड का आप चाव का मसाले ले लीजिए, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए मैंने चाव का मसाला ऐड कर दिया है। अब ये मसाले के साथ इस चाव को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, ये अपना चाव फ्राई भी होता जाएगा और मसाला भी इसके साथ जाएगा, और हर एक चाव ना खिला खिला और अलग अलग रहेगा, चिपक के नहीं रहेगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं मैं इसको किस तरह से छुड़ा छुड़ा के ही फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह से फ्राई करेंगे तो चाव एकदम ना खिला खिला बनता है, वो चाव आपको चिपकने जैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी तरह से हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। तो चाव का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पर डालते हैं काले मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही साथ ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक, और अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो ब्लैक पेपर है और ये जो नमक है अच्छी तरह से पूरे चाउमीन के अंदर मिक्स हो जाए, और ब्लैक पेपर का पाउडर का जो फ्लेवर है वो भी चाव के साथ आ जाए। तो इसको ज़्यादा देर नहीं, 2 से 3 मिनट इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे तो सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग का चाव तो बन चुका है, तो अभी हम लोग को बनाना है अंडा, मतलब इसमें जो अंडा डालेंगे तो अंडा का भुर्जी बनाने वाले हैं। तो चाव को हमने निकाल लिए, उसी कढ़ाई में डाले हैं तेल और इसी में अंडा डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ही अंडा यूज़ किया है, आप चाहे तो आपके हिसाब से कम ज़्यादा अंडा अप कर दे सकते हैं। तो अंडा के साथ अभी देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और अंडे को अच्छी तरह से फ्राई करते हुए तोड़ते जाएंगे, मतलब छोटा छोटा पीस बनाते जाएंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, अंडा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग अंडा भी फ्राई हो गया, इसके साथ डाल दिए हमने चाव, जो चाव हमने पहले से फ्राई करके रखा है। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स, ताकि अंडा ना चारों तरफ चाउमीन में मिक्स हो जाए, नहीं तो क्या होगा ना, किसी को अंडा मिलेगा और किसी को अंडा नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो हम लोग का आज का एग चाव है तैयार। तो इसी तरह से हम लोग चाव बना के
गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, आज का रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर किया, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और नए फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए, चाव तो हम लोगों का बन चुका, अब फटाफट से कर देते हैं इसका प्लेटिंग। मैंने एक अच्छा सा प्लेट लिया है और इसे में डाल देते हैं चाव। देखिए क्या है ना, सर्विंग बहुत अच्छा होना चाहिए। सर्विंग देख के, मतलब खाना देख के ऐसा लगे कि एकदम टूट पड़े खाने के ऊपर। तो चलिए अभी प्लेट में सर्व कर देते हैं चाव, और उसके साथ साथ कांटा देना ना भूलिएगा। चलिए, आज का रेसिपी है तैयार, गर्मा गर्म इसे आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें सॉस भी दे सकते हैं, लेकिन ये बिना सॉस का भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल इंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म, और आप कौन से शहर से मेरे चैनल को देख रहे हैं ये हमें कमेंट करके बोलना ना भूलिएगा। चलिए, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नया और सिंपल सा रेसिपी लेके, ताकि आप भी अपने घर में इसी तरह से बना के इसे इंजॉय कर सकें। चलिए, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।